जी जनाब वाला, हम लोगों ने अपनी 28% इंग्लिश का जो सेक्शन था उसको ख़त्म कर चुके और उसको अच्छे अंदाज से कवर कर चुके। अब हमारे पास सेंटेंसेस की सेकंड टाइप के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं सेशन नंबर 2 के अंदर। और बेटा, दिस इज़ अबाउट एक्टिविटी या एक्शन सेंटेंसेस। अच्छा, याद रखें कि एक्शन या एक्टिविटी क्या है, एक्शन या एक्टिविटी क्या है। अच्छा, मैं हूँ, ये मेरी प्रेजेंस है, मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरा एक्शन है। ये बात बड़े ध्यान से समझे, मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या है, मेरा एक्शन है। इसी तरह मैं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी आंखें हैं, मैं आंखों से देख रहा हूं तो ये क्या है, एक्शन हुआ नाउन का यानी सब्जेक्ट का। मैं देख रहा हूं आंखों से। अब जरा बात को बड़े ध्यान से समझिए कि जो एक्शन या एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनका एक और नाम होता है और ये नाम आपके लिए जाना पहचाना है। मुझे पता है कि आपको पहले शायद ही कोई आप में से 10% स्टूडेंट्स होंगे जो ये जानते होंगे, बस इससे ऊपर नहीं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन या एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है, जिनमें एक्शन या एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है, हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं दे आर कॉल्ड टेंसेस। क्या कहलाते हैं जी? टेंसेस। यानी एक्शन या एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस वो टेंसेस कहलाते हैं। तो अब टेंसेस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। किसके ऊपर? टेंसेस के ऊपर। हमने टेंसेस के ऊपर बात करनी है और अपना अगला जो लाए अमल है वो टेंसेस से रिलेटेड ही रखना है। अब जनाब, टेंसेस से रिलेटेड बात करेंगे तो याद रखिएगा, इस चीज को भूलना नहीं है कि बेटा जो टेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। एक जिसे हम कहते हैं एक्टिव, एक जिसे हम कहते हैं पैसिव। एक्टिव या पैसिव। जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस यानी जो टेंसेस हैं, हम कहते हैं कि ये वो होते हैं जो कि एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं एस वी और ओ का। यानी इनमें सब्जेक्ट मस्ट है, सब्जेक्ट मस्ट है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। और जो पैसिव वॉइस होते हैं, पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, ये एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं ओ वी एस का, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, सब्जेक्ट हो या ना हो। तो याद रखें कि टेंसेस की दो टाइप्स हैं, या तो वो होंगे एक्टिव वॉइस या वो क्या कहलाएंगे, पैसिव वॉइस। या वो कहलाएंगे एक्टिव वॉइस या वो कहलाएंगे पैसिव वॉइस। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझ के रखनी है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही फॉर्मूला फॉलो होता है, और वो जो पैसिव वॉइस के उनके अंदर ओ वी एस का फॉर्मूला फॉलो होता है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे अबाउट एक्टिव वॉइस, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस सारी स्लाइड को अभी अरेज करूंगा और मैं चाहूंगा कि हम लोग डायरेक्ट एक्टिव वॉइस के ऊपर बात करें। तो एक्टिव वॉइस के लिए क्या है? जाहिर सी बात है कि वो हमारे पास यूज होंगे टेंसेस। ठीक है, अब उन टेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे और एक एक करके चीजों को समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये जरा आप समझें कि जो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जमाने कितने होते हैं, आपने भी मुझे बताया था कि तीन किस्म के जमाने होते हैं, तीन किस्म के जमाने होते हैं। अब यहां पर एक और बात बड़े ध्यान से समझ ले, वो ये वाली बात कि जैसे आपको समझाऊंगा मैं इस अंदाज से कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। जनाब, जैसे जो है ना, वो होते हैं ना हमारे पास माँ बाप हैं, तो उसके बाद माँ बाप के ने की वजह से हम यहाँ पे इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा हमें, और हम अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, बुरे हैं फिर भी क्या, औलाद तो औलाद ही है। तो जनाब, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और एक्टिव वॉइस के अंदर भी जो, अगर ये सेक्शन आपको समझ आ गया तो आप बड़े अच्छे अंदाज से समझेंगे। जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस थे ना, हमने उस बारे में पढ़ा था कि नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस को के कितने जमाने हैं, जमाने कितने हैं जनाब? तीन है, पास्ट है, प्रेजेंट है, और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ने अपना किरदार नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में बड़ा अच्छा अदा किया। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, हाँ जनाब, ताल्लुक नहीं है आपस में,
यानी पास्ट ने प्रेजेंट को कभी नहीं देखा, प्रेजेंट ने कभी पास्ट को नहीं देखा, और प्रेजेंट ने कभी फ्यूचर को नहीं देखा, या फ्यूचर ने कभी प्रेजेंट को नहीं देखा। ठीक है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका आपस में ताल्लुक ना होते हुए भी कंपैरिजन ऐसा शानदार रहा, इतना शानदार रहा कि आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर थे, इन तीनों ने शादियां एक ही वक्त में की। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर पास्ट की अगर शादी होती है जनाब वेडनेसडे को, तो प्रेजेंट की शादी भी होती है वेडनेसडे को। ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ना ही एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन शादी एक ही दिन हुई। फ्यूचर साहब की भी शादी किस दिन हुई है? वेडनेसडे को ही। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें। जो भी जनाब, इनके यहाँ पहले बच्चे की जो पैदाइश होती है, पहले बच्चे की जो पैदाइश होती है उसी दिन होती है जिस दिन प्रेजेंट के यहाँ होती है, उसी दिन ही पहले बच्चे की पैदाइश फ्यूचर के यहाँ होगी जिस दिन पास्ट के यहाँ हुई या प्रेजेंट के यहाँ हुई। तो इनके यहाँ जो पहला बच्चा पैदा हुआ, ये एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी। जी जनाब, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, लाइट चली गई थी, तो इसलिए हमें दोबारा अब आना पड़ा। तो बात यह है, मैंने बोला कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों का आपस में ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि जनाब इनकी शादियां भी एक ही दिन हुई, और इनके यहाँ जो पहले बच्चे की पैदाइश हुई तो जनाब वो भी एक ही दिन हुई। और इससे भी बड़ी मजेदार वाली बात बताऊं कि इन्होंने अपने तीनों बच्चे, यानी एक बच्चा, तीनों बच्चे हैं ये, प्रेजेंट का एक, पास्ट का एक, फ्यूचर का एक, और तीनों ने जो नाम भी रखा पहले पहले बच्चे का वो भी सेम रखा। और वो नाम क्या था? अब जरा जनाब उसके ऊपर आते हैं, बड़ी बड़ी अहम कहानी है जनाब, आ गई है बड़ी अहम कहानी। तो पास्ट के पहले बच्चे का नाम है जी इंडेफिनिट, प्रेजेंट के पहले बच्चे का नाम फिर क्या हुआ? इंडेफिनिट। फ्यूचर के पहले बच्चे का नाम क्या हुआ? इंडेफिनिट। अच्छा जी, वक्त गुजरा, दूसरा बच्चा। जनाब ये भी हैरानी की बात सुन लें कि दूसरा बच्चा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के यहां एक ही दिन हुआ, और उन्होंने उसका नाम भी जनाब वही रखा जो दोनों ने, यानी तीनों ने अपने बच्चों का, दूसरे बच्चे का वही नाम रखा जो कि बनता था, यानी कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट ने भी क्या रख दिया? कॉन्टिन्यूस। जो आपस में जानते नहीं हैं, लेकिन जनाब उन्होंने नाम भी क्या किए? रख दिए ऐसे, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जब बात करते हैं इनके यहाँ तीसरा बच्चा जब पैदा हुआ, तो उन्होंने तीनों जमानों ने उस तीसरे बच्चे का नाम भी सेम रखा, और वह नाम क्या रखा जनाब उन्होंने? परफेक्ट। अरे वही परफेक्ट आ गया, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट आ गया। ठीक है, अब जनाब वक्त गुजरा और तीनों के यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई, और हैरानी की बात यह थी कि उस चौथे बच्चे के अंदर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों जैसी खूबियाँ पाई जाती थी। तो उन्होंने, तीनों ने उसका नाम कुछ इस तरह से रखा, क्या? परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट साहब ने भी क्या रखा? परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर साहब ने क्या रखा? परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इनके चार चार बच्चे पैदा हुए और चारों के नाम उन्होंने सेम रखे। अब इसको याद रखने के लिए याद रखे जनाब के एक्टिव वॉइस हो खा पैसिव वॉइस हो, टेंसेस यही होंगे जो कि आपको नजर आ रहे हैं, जो कि ये चार बच्चे हैं, पास्ट के चार बच्चे, प्रेजेंट के चार बच्चे, फ्यूचर के चार बच्चे। हाँ, पैसिव वॉइस की तरफ जब आते हैं रोल अदा करना, एक तो एक्टिव रोल परफॉर्म करेंगे, एक पैसिव रोल परफॉर्म करेंगे, करना इन्हीं में से किसी ना किसी ने है, लेकिन वो क्या तरीका है वो भी आपको आगे बताता हूं। तो याद रखें कि पास्ट के कितने बच्चे हैं? चार। प्रेजेंट के कितने हैं? चार। फ्यूचर के कितने हैं? चार। इसको समझने के लिए जनाब आपको ऐसे करना पड़ेगा, सबको जरा कर लें ऐसे हाथ सब। फर्ज कर लें कि जनाब ये हैं जी प्रेजेंट साहब, कितने बच्चे हैं प्रेजेंट के? चार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसी तरह पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह टोटल टेंसेज जो बने वो कितने हुए जनाब? 12 टेंसेज। अब यहां पे एक बात बड़ी ध्यान वाली है, वो ये वाली कि नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ जिनका किरदार था वो ये तीन टेंसेस थे। अब जब ये तीन सेंटेंसेस थे, सॉरी, यानी जमाने ये तीन थे, और इन्होंने नॉन एक्टिविटी में अपना किरदार अदा किया,
जब हम आते हैं एक्टिविटी एक्शन की तरफ, तो वालदेन कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं अपने चारों बच्चों से कि बच्चों असी तो गए हैं थक, हूँ वारी ताड़ी, जमाना आपका, अपडेशन आपकी, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो ये सब आपका, हम तो चले सिर्फ नॉन एक्टिविटी तक, अब आपकी बारी है। तो जनाब एक्टिव वॉइस जो टेंसेस थे, टेंसेस वो सिर्फ यही हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और इनके अंदर जो वालदेन है वो नाम की हद तक रहे, नाम की हद तक, हेल्प करने की हद तक रहे जनाब। ये देखें ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं, हेल्प करने की हद तक रहे बस, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना इधर, तो ये सिर्फ हेल्प करने की हद तक रहे और इसके अलावा कुछ नहीं। तो जनाब पास्ट के अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव वॉइस में पास्ट के कितने टेंसेज हैं, तो आप कहेंगे कितने हैं, चार। प्रेजेंट के कितने हैं, चार। फ्यूचर के कितने हैं, चार। ये बात याद रखते रहना है। तो जनाब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के चार 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 टेंसेज हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस के अंदर टोटल जो टेंसेज की तादाद है वो 12 है, समझते जाए साथ साथ। एक्टिव वॉइस के अंदर टोटल टेंसेज की तादाद कितनी है, 12 है, 12। जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस के ऊपर आते हैं, तो पैसिव वॉइस में भी याद रखें कि पैसिव वॉइस में अपना किरदार अदा करने की जब बारी आती है, तो उनमें तीन तीन बच्चे अपना किरदार अदा करते हैं, पहले तीन तीन बच्चे हर टेंस हैं, यानी टोटल, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ये नहीं आते। तो जनाब पैसिव वॉइस के अंदर टेंसेस की टोटल तादाद कितनी है, 9। कितनी तादाद है, 9 बस, ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, आज की क्लास के अंदर आपके लिए एक छोटा सा टास्क होगा, मैं अभी एक टेबल आपके साथ शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, और अगर आप YouTube पे मुझे देख रहे होंगे तो तब भी आप मुझे WhatsApp कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो होगा टेंस का टेबल, टेबल होगा जनाब वन पेज पल्ड के नाम से, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, वन पेज पर्ल के नाम से होगा। अब आपने करना क्या होगा कि एक्टिव वॉइस से मुतल्लिका, एक्टिव वॉइस से मुतल्लिका उसके अंदर लिखा होगा जनाब क्या, एक सेंटेंस के से मुतल्लिक उसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसकी पहचान क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो उसकी पहचान क्या है, ठीक है, इसी तरह जनाब पास्ट इंडेफिनेट है तो उसकी पहचान क्या है, तो उन सब से मुतल्लिका वो एक टेबल है। मैं आपसे सिर्फ ये बात चाहूँगा कि आपने सिर्फ उस टेबल को देख के आना है और एक्टिव वॉइस के इस सेक्शन को आपने कवर करके आना है बड़े अच्छे अंदाज से, सिर्फ इतना सा आपका काम है, ये आपने काम करना है, ये काम बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। और फिर उसके बाद साथ ही पैसिव वॉइस के ऊपर बात है, वो मैं यहीं पे कर देता हूँ, आपको वो समझ वहीं पे आ जाएगी। यानी अब मैं आपको सर जो समझाना चाह रहा हूँ ना, बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये वाली है कि एक्टिव वॉइस के अंदर कुछ बातें मैं एक्टिव और पैसिव को समझाने के लिए आपके सामने करना चाहूँगा, एक्टिव और पैसिव को। एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए पहली बात तो आपके माइंड में रख लें कि एक्टिव वॉइस के अंदर SVO फॉर्मूला हमेशा फॉलो होता है और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा फॉलो होता है OV और S का फॉर्मूला, ठीक है। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो जनाब सेंटेंस नहीं बनेगा, और ऑब्जेक्ट अगर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसिव वॉइस के अंदर जनाब ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, याद रखें, और उसके बाद सब्जेक्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपने याद रखनी है, छोटी छोटी बातें बस आपने याद रखनी है। उसके बाद अगली बात वो ये वाली बात है जनाबे वाला कि जनाब जो जितने भी एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए आप एक नाम याद रख लें, वो ये है सरकारी, ठीक है, और पैसिव वॉइस के लिए एक नाम याद रख लें और वो क्या है, प्राइवेट। क्या नाम है, प्राइवेट। जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं मुझे उनके बारे में एक बात बताइए, उनके बारे में एक बात बताइए कि सरकारी इदारों के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर अगर एक शख्स बीमार हो जाए, मुलाजिम बीमार हो जाए तो क्या कहते हैं उसे कि भाई जाओ घर बैठो, क्या होता है, वो कहते हैं नहीं काम हो जाएगा, आप जो है ना काम इसको जारी रखें। तो जनाबे वाला लाइट आ गई अब, ठीक है, पाकिस्तान में तो यही है,
लाइट आ गई तो लाइट चली गई, यही सिलसिला बस चलता रहता। खैर चले हम अपने काम की तरफ वापस आते हैं, टाइम हमारे पास कम है। जितने भी सरकारी इदारे हैं उनमें क्या बात कही जाती है कि आप छुट्टी करो, बीमार हो गए हो तो अब हम आपसे कोई सरोकार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि सर आप काम कीजिए, काम ना कीजिए, एक काम कीजिए। वो काम क्या है कि आप काम ना कीजिए, आप प्लीज़ अपना इलाज करवाइए और आप जब ठीक होंगे तो हम दोबारा काम के लिए आपको मधु करेंगे, आप आइएगा, काम होता रहेगा लेकिन प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें। प्राइवेट के अंदर क्या होता है, प्राइवेट में एक हफ़्ता वेट हो जाएगा, दो हफ्ता वेट हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद कहा जाएगा जी सॉरी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वालों की अपनी मजबूरी है, वो ये वाली है कि उन्होंने तो प्रॉफिट कमाना है ना, प्रॉफिट के ऊपर रहना है और कोई दूसरा सिलसिला भी नहीं होता। प्राइवेट वालों को फिर मजबूरन गुड बाय कहना ही पड़ता है। तो यहाँ पर एक और बात कि सरकारी इदारों के अंदर इम्पोर्टेंस दी जाती है इंसान को। अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत तो नहीं होगी ना कि जितने भी सरकारी इदारे होते हैं उनमें इंसान को अहमियत दी जाती है और जितने भी प्राइवेट इदारे होते हैं उनमें काम को अहमियत दी जाती है। काम होगा तो बंदा होगा, काम नहीं होगा तो फिर बंदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और वो क्या है कि एक्टिव वॉइस के अंदर इंसान को अहमियत दी जाती है जबकि पैसिव वॉइस के अंदर काम को अहमियत दी जाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो गलत ना होगा, और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो ये गलत ना होगा। अच्छा, सिंपल सा रूल यहाँ पे भी बात समझ लें, वो ये वाली कि जो एस वी ओ का सिलसिला होता है वो सिंपल सा ये है कि अगर ओ इधर आ जाए, एस इधर आ जाए तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, और इसमें अगर एस इधर आ जाए, ओ इधर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा, एक्टिव वॉइस बन जाएगा, सॉरी। तो ये सिंपल से कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं जिनको आपने याद रखना है और अंडरस्टैंड करना है। अगर इनको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी मैं आपके सामने वो वन पेज पढ़ है, मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि उसको आपने सिर्फ देख के आना है। मैंने ये नहीं कहा कि उसको आप बड़े ही अच्छे अंदाज से याद करके अभी आएँ, लेकिन आपने इतने अच्छे से देख के आना है कि आपको पता चले कि मैं चीज़ क्या करवा रहा हूँ और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपके पास आती रहे। तो आज का हम सेशन अपना सेकेंड सेशन ज़रा कम हुआ, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम सेकेंड डे थर्ड के साथ आपके पास कल हाजिर होंगे और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और यहीं से हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जनाब, अब मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।